शमशान में खेली अनूठी फूलों की होली। होली का पर्व आते ही लोगों के दिलो दिमाग पर रंगों की पिचकारी चलने लगती है। युवा एक दूसरे को रंगने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगते हैं, वहीं महिलाएं घरों में, मंदिरों में, पार्कों में अपनी सहेलियों के साथ रंग गुलाल व फूलों के साथ फाग खेलती व गीतों का आनंद लेती नजर आती है। ऐसा ही एक अनूठा नजारा शहर के गांधीनगर मुक्ति धाम में आज दोपहर में देखने को मिला। सर्व सुविधा युक्त इस मुक्ति धाम में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अंतिम क्रिया में आने वाले लोगों के लिए साहित्य व आध्यात्मिक पुस्तकें भी उपलब्ध है। कहते हैं मरने के बाद अंतिम यात्रा में शमशान तक केवल पुरुष ही जाते हैं, वह रिश्तेदार, पड़ोसी, इष्ट मित्र, सगा संबंधी कोई भी हो सकता है। महिलाएं शमशान में न ही जाती है और न ही वहां रुकती है, परंतु आज दृश्य कुछ अलग ही था। सजी धजी रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों में श्रृंगार की महिलाएं पुरुष होली पर भाग महोत्सव खेलते नजर आए। शमशान में एक तरफ जहां चीता की अग्नि जल रही थी, परिवार के सभी सदस्य, साथ में आने वाले रिश्तेदार, इष्ट मित्र शोक में डूबे दिखे, वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के बैठने के लिए बने वातानुकूलित विश्राम गृह में गांधीनगर मुक्तिधाम विकास समिति के सदस्य मानव भक्तिमय भजनों के बीच जीवन के अंतिम सत्य को हंसी खुशी नाच गाकर फूलों के संग होली खेलते भगवान की भक्ति करते दिखे। इस फाग महोत्सव में कालरा की भजन मंडली ने वहां मौजूद सभी लोगों और महिलाओं को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा अद्भुत अकल्पनीय दृश्य वास्तव में कहीं देखने को नहीं मिलता। मुक्तिधाम विकास समिति के अध्यक्ष नंदलाल नारानीवाल, सचिव रतन बिल्डा, कोषाध्यक्ष प्रकाश सुराना, रामलाल राका, मानसिंह संचिती जैसे सदस्यों की टीम व महिला मंडल के ऐसे नवाचारों को वहां उपस्थित सभी ने सराहा। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष स्टोरी। दस साल पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम 10-20 आदमी जो के सदस्य हैं, उन्होंने सोचा कि सभी मुकदाम में यदि इतनी सुविधाएं हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो हमने ठाना कि यहाँ जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो देंगे। तो उसके उपरांत हमने यहाँ पे सब सुविधाएं धीरे धीरे एकत्रित करते गए। यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, नहाने की, धोने की, पीने की, और एक जो हॉल बना रखा सत्संग हॉल, तो यहाँ पे जो भी कोई दाह संस्कार के लिए आता है तो यहाँ बैठने की सुविधाएं नहीं थी, तो हमने ये वातानुकूलित हॉल बनाया और ताकि सबको यहाँ आराम से बैठ सके। और हर महीने के पहले संडे को हम यहाँ पर 2 घंटे तक कीर्तन करते हैं। ये 5 साल से अनोखा चल रहा है। स्टार्ट में हमने यहाँ भागवत कथा भी कराई, वो भी बहुत सक्सेस रही। और हम सभी से ये कहते हैं कि ये साल सबसे पवित्र साल है, आप यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर वाली कोई बात नहीं है। हमारी खूब लेडी जाती है, आज तक किसी को मिला नहीं है, सब भजन गा के करके यहाँ से चली जाती है और सब आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भवानी शंकर शर्मा, रिटायर्ड। पहले पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, लोग कहते थे नहीं बहुत बातें हो जाए, धीरे धीरे मुझे देखकर और तो आने लगी और बहुत मेरे को उत्साह मिला। और ये गांधीनगर मोक्षधाम के जितने भी जन समिति वाले हैं सभी मेरे साथ जुड़े। और अभी जैसे गली गली, मंदिर मंदिर, घर घर में पागे, तो मुझे लगा कि जिन दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इतना बड़ा मुझे स्टेज मिल रहा है, घर घर जाके मैं गा रही हूँ, क्यों नहीं उन दिवंगत आत्माओं के लिए भी एक बाग उत्सव किया जाए। लाशों को जलते देखा कोरोना में, जिनके साथ कोई नहीं था। मैं जाती थी भागवत के अध्याय सुनाते जाती थी, वहां मेरा डर खुला के कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, क्योंकि सांप को भी जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक नहीं लगता, तो भूत प्रेत का भी ऐसा ही है। मेरा डर खुला, मैंने आत्मा को दे रहा, मैंने मेरे भाई को दे रहा और मुझे डर था। मैंने उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिनको कफन भी नहीं दे रहा, जिनको गंगा जल भी नहीं दे रहा, उनके लिए ये मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं और उन दिवंगत आत्माओं के उद्धार के लिए सत्संग हो। तो आज हम इन्हें पहले रविवार करती हूँ। अभी बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे आए कि क्यों करिए, वहां पे तो दिवंगत आत्माएं हैं, ये है। तो मैंने यही कहा कि मैं अपने पूर्वजों को पाग मनाने जा रही हूँ। मेरा नाम रजविंदर कालवा है, वैसे मेरे को कालवा दीदी के नाम से सभी जानते हैं। कि जहाँ महिला वाले आना भी पाप समझा जाता है, जहाँ यदि घर में भी बात हो जाती है तो ऐसे कहते हैं औरतें से लाश को घर तक ही छोड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा चाहत है माता पिता की तो गली के एंड तक छोड़ेगी, यहाँ तक नहीं आएगी, गए वे साफ जमाने। आजकल तो जिस बाप के बेटियां 4 है वो भी शमशान तक आ रही है,
ठीक है, बेटियां भी बाप को कंधा दे रही है, बेटियां भी बाप को छिपा दे रही है। दूसरी बात, जब मेरे पास बात आई थी कि आप इतना बल ठन के आई हो, आप बिलीव करिएगा यहाँ वैसे भी महिलाओं का दाग हुआ होगा जो फाग महोत्सव को बहुत ज्यादा मानती होगी। मरने के बाद कहते हैं ना कि शरीर देश से आ जाता है लेकिन आत्मा तो वही रहती है, तो वो आत्मा भी उस चीज को याद करती होगी कि जब हम जिंदा तो इस तरीके से फाग करते थे, आज हम इस जगह आके बैठे, फाग तो दूर की बात है, फाग का रंग उत्सव कहीं नजर नहीं आता। मैं इस समिति वालों को, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, मेरे पापा मेरे बहुत टच में थे, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो ये बात मैंने सभी को कही है, मैंने कहा जब बेटा जा सके, बाप जा सके, पड़ोसी जा रहे, मैं तो पराए लोग जा रहे हैं, मैं बेटा और बेटा क्यों नहीं जा सका, आज आपने मेरा सपना पूरा करा। मैंने जलती हुई चिता को देखा है यहाँ पे, यहाँ तो इतनी पवित्र चीज है, मैं भी रात रुक गई या दोनों में से कोई भी रात रुक गई, इन दोनों को ही टच करने वाला कोई माइका लाल नहीं है, ठीक है। तो ये तो इतनी पवित्र जगह है और आपके माध्यम से उन सभी परिवार वालों को कहना चाहती हूँ, जो ये गांधी धाम मोक्ष धाम है, कि जब कोई खत्म हो जाता है उसकी आपने चिंता जला दी, उसके बारहवें तेरहवें जो भी करना आपने कर दिया उसके बाद आप भूल गए, तो आप लोगों को तो अपने लोगों के पास आने का आज ही बहुत बड़ा मौका मिला है। तो ज्यादा नहीं तो साल भर में एक दिन पाओ, और मैं आपसे सभी से निवेदन करती हूँ और उन बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करती हूँ जिनके परिवार वाले यहाँ आके समाए, जिनको यहाँ जलाया गया, जिनको यहाँ मोक्ष मिला गया है, आप जरूर पता